अस्सलाम वालेकुम। वीडियो देखने वालों, आपको ज़ुबैर का सलाम। आज जुम्मतुल मुबारक 2024। ये वीडियो है कल की है, वीडियो मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ जुमे की नमाज़ के बाद। ये ऑर्डर आया था मेरे पास 10 केजी भांगरी मछली का, और मुझे व्यूअर्स दो दाने मिले 9.5 केजी के। और उनका जो ऑर्डर था वो बोनलेस बिस्किट का था, 3 इंच के। और दो दानों में व्यूअर्स तकरीबन 4.9 केजी बोनलेस निकल आया। डांगरी में ये कि तकरीबन आधा तो निकलता है, इसमें एक 100-200 ग्राम ऊपर ही निकल आया, 100-150 ग्राम ऊपर निकल आया। 50 कभी कम भी हो जाता है, मछली की क्वालिटी के ऊपर होता है। और एक इसमें अंडा नहीं निकला, मतलब अंडा निकल आता है तो भी 100-150 ग्राम कम हो जाता है, 200 ग्राम कम हो जाता है। अच्छी मतलब वेस्टेज के लिहाज से अच्छी अच्छी मछली है, आधा बोनलेस निकलता है। स्लाइस कटिंग भी कराएंगे तो 20-22%, 23% जो है वेस्टेज निकलेगी। उस फिशरी में मछलियों की आमद आमद है, और डिमांड कम होने की वजह से और सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से रेट में 20-25% तक, 10 से 20%, 25%, 30% तक भी बाज़ मछलियों में कमी आई है। ये अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जो सीज़न में मछली परचेज नहीं कर सके या उनकी रेंज नहीं थी, तो अभी फिशरी का राउंड लगा सकते हैं। सुबह फिशरी तकरीबन फजर के बाद स्टार्ट हो जाती है, फजर से पहले भी कुछ लोग आ जाते हैं, लेकिन आप फजर वहाँ पड़े या फजर के फौरन बाद पहुँच जाए तो आपको मछली उम्मीद है कि अच्छी मिल जाएगी। और ये 7 दिन होती है, 7 डेज। सिर्फ जुम्मे के दिन जो है वो इवनिंग मार्केट बंद होती है, इवनिंग में जो है 6 दिन में मार्केट लगती है। लेकिन जुम्मे जो अर्ली मॉर्निंग की मार्केट है उसमें बेहतरीन बेस्ट डेज जो होते हैं मंडे टू थर्सडे होते हैं पब्लिक के लिए। फ्राइडे को मछली कम होती है, और फ्राइडे को जो मार्केट में शाम रात तक बंद रहती है उस वजह से सैटरडे को माल कम होता है। संडे को जो है आम पब्लिक ज़्यादा आती है तो उसकी वजह से भी थोड़ा रेट ऊपर होता है। तो बेस्ट डे जो है मंडे टू थर्सडे है। वैसे आप मेरे मुझे ऑर्डर कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर होता है व्हाट्सएप नंबर। टॉप क्वालिटी की मछलियों में डांगरी है, सुरमाई है, हीरा है, रावस है, पतल सेकंड है, सेकंड रेट की मछली है, ब्लैक पापलेट है, वाइट पापलेट है, कड़ू एक मछली है, दोथर है, वाइट दोथर है, ये टॉप क्वालिटी की मछलियाँ हैं, टॉप ग्रेडेड मछलियाँ हैं। सेकंड उसमें मुई है, पत्तल है, अमरोज है, पैरोट है, पत्तल, पैरोट, अमरोज, मुई। वाइट कुन आप उसको आप टॉप ग्रेड में कह सकते हैं, वाइट कुन सेकंड ग्रेड की नहीं है इस वक्त। अगर वाइट कुन भी ए ग्रेड की मिल जाए तो वो उसका जायका भी लाजवाब जायका है।
असल में मछली की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ईरानी मुश्का मेरे जहन से निकल गया, ईरानी मुश्का बहुत अच्छा टेस्ट है। ईरानी मुश्का को भी मैं टॉप को ग्रेडेड में शामिल करूँगा, सेकंड ग्रेड में नहीं, टॉप ग्रेडेड में। सब रमज़ान में थोड़ी डिमांड कम हो जाती है मछलियों की, तो ये अच्छा मौका है कि आप आएँ, मछली परचेज़ करके ले जाएँ। बाज़ों का ताजिर का माल ज़्यादा होता है तो वो परेशान भी होते हैं कि यार माल हमारा ऐसा नहीं रह जाए। ये उन लोगों के लिए अच्छा मौका है कि वो राउंड लगा लें अगर उनको मछली लेना आती है तो। हाँ, गिस्सर मछली वो मैं मेरे जहन से निकल गया, गिस्सर भी टॉप क्वालिटी में शामिल है। और मेरे जी तो यूज़ ये जो ऑर्डर था, ये देखें बिस्किट 3 इंच के बनाए थे और बड़े खूबसूरत बिस्किट जिसने पर कटर ने बना दिए, पतले कर दिए, वरना ज़्यादातर मोटे हो जाते हैं तो फिर भी शिकायत आ जाती है। तो इसने इसको 3 इंच के भी किए तकरीबन और पतले भी कर दिए। देखने से ही पता चलता है कि बहुत बेहतरीन मछली है। इसके भी बहुत लोग शौकीन हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। इसी किस्म की वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपके लिए दुआ करूँगा। अल्लाह सबके लिए आसानी करे। अल्लाह हाफिज़। We'll be right back.